वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में, जिसने हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली कि वो है क्या, किस में होता है, और दूसरी बात की थी हमने एसटीएस पेज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। सो नेटिव, नेट की नेटिव का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। तो आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि हम जो प्रोटीन का मिक्सचर है वो सेपरेट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि हमने एसडीएस पेज में एसडीएस डिटर्जेंट यूज करके उसको क्या किया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन हम इस बार इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रखेंगे। तो अब जो सेपरेशन होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। कैसे? क्योंकि अब जो सेपरेशन है वो चार्ज के अकॉर्डिंग होगा, मोलेकुलर वेट के अकॉर्डिंग होगा, साइज के अकॉर्डिंग होगा और शेप के अकॉर्डिंग होगा। तो एसडीएस से ज्यादा ये इफेक्टिव टेक्निक है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। तो ये हमारी जेल है, ऐसी तो होती नहीं लेकिन मान लीजिए। तो इस पे हमने अपना सैंपल, ओरिजिनल सैंपल ही अप्लाई किया है, किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट या किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल हमने अप्लाई नहीं किया है। फिर हमने उसको क्या दिया है, चार्ज दिया, बफर में उसको रखा, क्योंकि उसको एक्यूरेट आयन्स मिले जिसकी वजह से वो इजीली रंग हो सके। सो अब होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स है वो रंग होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मॉलिक्यूल है, जो बड़े मॉलिक्यूल है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, वो क्या होंगे, स्लो रन होंगे। जो छोटे मॉलिक्यूल है वो ज्यादा रन होंगे, क्योंकि ये क्या है, छैनी जैसा है, मॉलिक्यूलर सीविंग बोलते हैं उसको। जो छैनी, हम क्या छैन करते हैं ना, वो जो हम गुड़ को छैन करते हैं जिसमें एडिक्वेट पोर्स होते हैं, जो पोर से छोटा होता है वो बाहर निकल जाता है कचरा और बड़ा बड़ा उसमें रह जाता है, उसी प्रकार का है। जो छोटा है वो जल्दी चला जाएगा और जो बड़ा है वो रह जाएगा। जिसका शेप डिफरेंट है, पोर से अलग है, वो भी स्लो मूव करेगा, और जिसका शेप उसके कम है या उसके जैसा है वो जल्दी मूव करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो स्टैक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मोलिकुल है तो यहाँ पे वो स्टैक हो जाएगा और आगे रन नहीं कर पाएगा। जिसका चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव है वो जल्दी नेगेटिव की तरफ रन करेगा, जिसका चार्ज कम पॉजिटिव है थोड़ा स्लो नेगेटिव की तरफ रन करेगा, जिसका चार्ज ज़्यादा नेगेटिव है वो रन ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि रिपल्सन होगा, और जिसका चार्ज कम नेगेटिव है वो थोड़ा थोड़ा सा जल्दी रन करेगा नेगेटिव की ओर। सो ये बेसिक कंसेप्ट है नेटिव के, नेटिव पेज के बारे में। और नेटिव पेज है वो ज़्यादा यूज में आता है एसडीएस पेज के कंपैरिजन में। और इससे भी अच्छा एक पेज है, हम बात करेंगे 2D जेल, जिसमें हम वेरियस कंपाउंड को हम सेपरेट कर पाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।